हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WCC 3 में आप कैसे आसानी से विकेट्स ले सकते हैं, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि इसके विषय में बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना चुके हैं, मतलब आप लोगों को कैसे विकेट मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फील्डिंग सेट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज चल जाते हैं अगर आप मतलब अच्छा फील्डिंग नहीं सेट की है। लेकिन आप लोगों को इस ट्रिक में आप लोगों को उतना फील्डिंग सेट करने के मतलब उस फील्डिंग सेट करने का झंझट भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत सारे विकेट्स भी मिल जाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, अगर आप ज्यादा स्किल प्लेयर नहीं भी है तो भी आप लोगों को ये ट्रिक जरूर वर्क करेगा, आप लोगों को विकेट्स भी मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेके आता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो पहला आप लोगों को ये वाला फील्डिंग सेट कर लेना है दोस्तों। ये वाला फील्डिंग सेट करने के बाद आप लोगों को, अगर आपका बैट्समैन मतलब राइट बैट्समैन है तो आप लोगों को लेफ्ट से करना पड़ेगा, अगर आपका लेफ्ट बैट्समैन है तो आप लोगों को राइट से करना पड़ेगा। जैसे कि इधर देखिए, राइट बैट्समैन है, मैं इधर लेफ्ट से कर रहा हूँ दोस्तों। और आप लोगों को थर्ड स्टंप पर रखना है, मतलब आप लोगों को ऊपर रखना है, गेम जितना ज़्यादा ऊपर रखिए और थर्ड स्टंप पर रखिएगा, और आप लोगों को बैट्समैन सीधा मारेगा और आप लोगों को कैच मिल जाएगा दोस्तों, और आप लोगों को आराम से कैच मिल जाएंगे दोस्तों इसी तरीके से। और आप लोगों को मतलब कैच भी पकड़ लेना है, मतलब एक बार रोटेट कर लेने दीजिए और दूसरे बार आप लोगों को ग्रीन टैप कर लेने का है, और आप लोगों को कैच भी मिल जाएगा और विकेट भी मिल जाएगा दोस्तों। यही ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को बहुत सारे विकेट्स मिल जाएंगे दोस्तों ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, आप लोगों को फील्डिंग भी सेट करने का मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उस टाइप का फील्डिंग सेट कर लीजिए और आप लोगों को जितना ज़्यादा ऊपर रखिए और गेम को लेफ्ट साइड की ओर स्विंग करिए। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा, देखिए मैंने इस तरफ स्विंग किया और देखिए सीधा आप लोगों को भी कैच मिल जाएगा दोस्तों। हालांकि कभी कभी आप लोगों को मतलब राइट या लेफ्ट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मतलब थर्ड स्टंप पर रखना है। अगर आप गेम थर्ड स्टंप पर रखेंगे और उसी तरफ से मतलब उसी डायरेक्शन पे मतलब आप स्विंग मतलब लेफ्ट स्विंग करेंगे तो आप लोगों को सीधा मतलब बैट्समैन उस तरीके से मारेगा और आप लोगों को उधर ही फील्डर की ओर ही मारेगा दोस्तों। इसी तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से आप लोगों को फील्डर की ओर ही मारेगा और आप लोगों को बहुत ही आराम से कैच मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही वर्किंग ट्रिक है दोस्तों, मैं बहुत इसी तरीके से 10 विकेट लिया है दोस्तों ये ट्रिक से। मैं बहुत सारा मैचेस मैंने चेक किया, ये ट्रिक आराम से आप लोगों को चल रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को भी चलेगा, ज़रूर चलेगा, आप लोगों को भी बहुत सारे विकेट्स भी मिलेंगे दोस्तों। ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आपका ये ट्रिक वर्क किया तो आप लोगों को कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इस चैनल में नए हो तो, और लाइक भी कीजिए। और आप लोगों को ये देखना है कि मैंने 10 विकेट कैसे लिया, तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों मैंने कैसे 10 विकेट लिए। आप लोगों को भी पता चल जाएगा मैंने कैसे 10 विकेट लिए, आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। मैंने इसी बहुत सारा विकेट लिया है दोस्तों WCC 3 में, बहुत ही सारा विकेट्स लिया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी कि WCC 3 में विकेट्स लेने में और बैटिंग करने में, आप लोग इस तरीके से विकेट्स ले लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आराम से जीत जाएंगे दोस्तों। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा आसान ट्रिकों के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग बहुत जल्दी से उस ट्रिक को जान सकेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।